क्या तू लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, जो तूने कमाया है दूसरा खाएगा। कोई प्यार से मेरी मैया को सजा दो आदि गीतों से शनिवार को देर रात तक सिटी सेंटर गूंजता रहा। कानपुर से पहुंचे गायक सुरजीत अलबेला ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए। महारानी के दर्शन किसको किसको करने हैं, जिसको मैया के दर्शन करने पर हाथ उठ रहा उठा के बताओ और जयकार बोलो सच्चे दरबार की जय। मात दर्श की आस किसको किसको मैया के दर्शन करने बोला सच्चे दरबार की जय। आप अगल की जगह सुनो बोला सच्चे दरबार की कि रंगत बदल गई है तराना बदल गया रंगत रंगत बदल गई है तराना बदल गया वो बदली नहीं तकदीर ये जमाना बदल गया। और मां कि गम नहीं है मुझको किसी बात का कोई गम नहीं है मुझको कि बदल जाए ये ज़माना पर मेरी ज़िंदगी की मालिक कहे तो समस्तीपुर से आई मशहूर गायिका रश्मि शर्मा ने जब अपना भजन गाया तो तमाम भक्त भक्तिभाव में विभोर हो गए। मौका था सेक्टर 4 सिटी सेंटर में माँ जागरण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित भव्य माता का जागरण का। उसके दरबार में झूमने की खुशी है, दोनों हाथ उठाओ कि जिंदगी इलाहाबाद से आए कलाकारों ने भगवान शंकर व माता काली राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की जिसने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जागरण में उपस्थित अतिथियों ने माता दरबार में माथा टेक मंगल कामना की। सिटी सेंटर में आयोजित माता जागरण का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिटी DSP ज्ञान रंजन ने किया। जागरण का उद्घाटन जिले के लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, आयोजन समिति के महासचिव राम कुमार वर्मा सहित प्रमोद सिंह अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपके बेरमो
बोकारो क्षेत्र के जो है सारे साथी हमारे ज्वाइन किए, 5 आदमी इम्पोर्टेंट लोग ज्वाइन किए, और उसके बाद हम लोग जो भी हमारे लोग थे जिला से, प्रखंड से, प्रदेश से, हम लोगों ने आपस में सब पार्टी के हित की बातें किया, जो भी समस्या था, जो भी सुझाव था, सब पर विचार किया गया। अभी हम लोग माता के जागरण में आए हुए हैं, जो भव्य कार्यक्रम है जो हर साल की भांति इस साल भी जो है सो मनाया जा रहा है, इसमें जो है सो हम लोग उसमें सम्मिलित सब हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो परिवार हम लोग सब उसमें सम्मिलित हम लोग हो रहे हैं। अब तुरंत अभी चालू होने जा रहा है और हम लोग यही मनाते हैं माँ के इस शुभ कार्य के मार्फत ये चार तक खुशहाली हो, लोक जनशक्ति पार्टी ढंग से काम कर रही है राज्य में, जो हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं रामविलास पासवान जी का जो सोच है, जो कार्य कर रहे हैं, उनका जो भी फायदा हर गरीब के घर घर तक पहुँचे, इनमें जो कामना है वहाँ से हम लोग का प्रार्थना है। चुनाव को लेकर चुनाव का तैयारी सर कैसे चल रहा है इस बार? चुनाव का तैयारी हमारा पूरा तैयार, 14 लोकसभा में हमारा है, जिसमें 8 लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी निर्णायक है। लोक जनशक्ति पार्टी के ही ताकत से चुनाव कोई भी आदमी जो जीतेगा, 8 जो है हमारा 100% मेरा वर्चस्व, 8 लोकसभा है, बाकी हमारा जो 14 हमारा लोकसभा में हमारे लोग हैं, लेकिन 8 में हमारा जो है तो मतलब स्ट्रेंथ इतना है कि बिना हमारे पार्टी की शुभकामना का दूसरा किसी का खाता नहीं खुलेगा। जनता को भी लाभ मिलेगी, पूरा जनता को लाभ मिलेगी, जनता को लाभ मिलेगा, एनडीए को लाभ मिलेगा, जो गठबंधन है उसका बहुत बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। अब हमारी जो भागीदारी है झारखंड की, अभी हम लोग उसके इंतजार में बैठे हुए हैं, हमारे लोग उत्सुकता बस देख रहे हैं झारखंड में हमारे लोग कि लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी क्या हो रही है, और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग सौंप दिए हैं, जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। हाँ सर बताएगा, ये हम लोग जनशक्ति पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और साथ में हमारे कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है, उसके हमारे कुछ वरिष्ठ ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए तक के मेंबर थे, उनको आज हमारे ऐसा दस्ता भी दिए लोगों ने और लोगों के साथ दिए, और दिन प्रतिदिन हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठन मजबूत होगा तो उससे आने वाले विधानसभा हम लोगों को सीट मिले। हर साल की बात हुई, 3 साल हुई माँ जागरण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से माँ का जागरण होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि और झारखंड प्रदेश के माननीय वीरेंद्र प्रधान जी, और जो बहुत मृदुभाषी चर्चित व्यक्ति, सामाजिकता के धनी, लोगों से संबंध का अटूट संबंध रखना, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज इस महाजागरण समिति के अतिथि हैं, उनके साथ हैं हमारे प्रमोद सिंह जी, किसान सेल के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे इस कार्यक्रम के जो उद्घाटनकर्ता हैं बोकारो जिला SP आरक्षी अधीक्षक और महानगर चास नगर पालिका के महापौर भोलू पासवान जी हैं, और इसमें राजीव कुमार सिंह जी हैं, हमारे डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं जो बड़े नेता हैं लोजपा के, ये सारे अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया जाएगा। और आज पार्टी में जो हमारे लोग साथी मिले हैं, ये कोलांचल के क्षेत्र में एक श्रमिक संगठन के एक मजबूत साथी, युवा लोक जनशक्ति पार्टी में लोगों ने माननीय वीरेंद्र प्रधान प्रदेश अध्यक्ष के अगुवानी में उनके समक्ष ज्वाइन किया है, और ये बहुत शुभ संकेत है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए प्रदेश में, कि ऐसे साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र प्रधान जी के आने के बाद सारे लोगों को समावेश जो हो रहा है, बहुत बड़ी ताकत
लोक जनशक्ति पार्टी को मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी बहुत आगे है। एक मिनट, हाँ सर बोलो। आज झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र प्रधान का बुखार आगमन हुआ। अनिल कुमार जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि कल्चरल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव सिंह जी उपस्थित थे, किसान सब के प्रमोद सिंह जी, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष साहब शामिल थे। आज रामविलास पासवान और युवा सम्राट चिराग पासवान के नेतृत्व में बहुत सारे कखाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इन तक उन्होंने पार्टी में आस्था जताते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किया। साथ ही जितेंद्र त्रिपाठी जनरल सेक्रेटरी जनता मजदूर संघ और बरिस्टर सिंह जी जो कि जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष और उन्होंने आज ब्रह्मपुर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है।